যুবতীর দামি মোবাইল ফোন এবং এক যুবকের ল্যাপটপ উদ্ধার করে তাদের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের দার্জিলিং মোড় ট্রাফিক পুলিশ। শালুগড়া থেকে শালবাড়ি যাওয়ার সময় সিটি অটোর মধ্যে এক যুবতীর মোবাইল ফোন পড়ে যায়। সেই সময় দার্জিলিং মোড়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ এসআই টিটু সাহার নজরে পড়ে ফোনটি। এরপর অটো চালকের সঙ্গে কথা বলে মোবাইল ফোনটি ট্রাফিক পয়েন্টে জমা দেন তিনি। পরবর্তীতে যুবতীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মোবাইল ফোনটি তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে দার্জিলিং মোড় থেকে মাটিগাড়া যাওয়ার সময় ল্যাপটপের ব্যাগ টোটোর মধ্যেই ফেলে যান এক যুবক। এরপর সেই যুবক দার্জিলিং মোড় ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখানে গিয়ে যুবক জানতে পারেন তার ল্যাপটপ সহ ব্যাগটি পুলিশের কাছে রয়েছে। পরবর্তীতে ল্যাপটপটি যুবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া জিনিস পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ এসআই কে ধন্যবাদ জানান তারা। मैं जब काम कर रहा था टोटो जब रुक रहा था तो एक देखा कि ऑटो में सीट पे ये मोबाइल गिरा हुआ था। उस समय में एक दूसरा नेता भी वो फ़ोन उठाने के लिए वो कोशिश किया था। मैंने उस समय में उसी से वहाँ पे पहुँचा और पूछा भाई मोबाइल किसका है। वो बोलता है मेरे को पता नहीं है, तो हम तुम क्यों मोबाइल उठा रहे हैं। तो फिर ड्राइवर बोला हाँ तो सर दूसरा कोई पैसेंजर होगा उसका भी हो सकता है। तो फिर मैंने ये मोबाइल मेरा हाथ में ले लिया और फिर तुरंत फ़ोन भी आया तो फ़ोन रिसीव किया मैंने। मैंने बोला कि इन लोगों को जंक्शन दार्जिलिंग मोड़ ट्रैफिक का पास आ जाओ, मेरा ये मोबाइल मेरा पास है। तो आ गया उस हिसाब से वो अभी मोबाइल उसको अगर होगा तो उसका आईडी प्रूफ जो है उसको मिला करके उसको जो कोड है वो उसको अगर उसका ही मोबाइल होगा तो उसका हाथ में मिल जाएगा। और उससे पहले एक लैपटॉप भी मिला। हम लोग जब फोटो रुक रहा था तो एक फोटो का सीट पर एक बैग देखा। तो बैग से पहले वो आदमी जो आदमी वो टोटो में बैठा हुआ था उसमें कुछ सामान था। तो सामान जो था वो आदमी को मैंने देखा यही भाई था। तो वो सामान लेकर के वो दूसरी गाड़ी में चला गया। तो उसका बाद में मेरा नज़र आया कि एक बैग छोड़ दिया। तो वो आदमी को पूछा था ये बैग किसका है, तो उसको पता नहीं है। फिर वो भी बोल रहा है कि हो सकता है उस आदमी का। वो भी बैग मैंने लिया लेकर के, तो ये वो भी आदमी यहाँ आकर के मेरे पास पूछा और मैंने बोला हाँ ये मेरा ही पास है। ये बैग का नाम है वो जो आदमी साथ में जो आदमी रख सकते उसको बैग खोल करके देखा उसका लैपटॉप भी था। तो ये भाई आ गया तो आने का बाद में बोला कि तुम्हारा लैपटॉप जो भी है मेरा ही पास है सिलसिला में था ऐसा है। तो कुछ दिन पहले भी एक आईफोन रास्ते पर गिर गया था एक लड़की को, वो आपका नया बाजार की है। हम पीछे से बाइक लेकर के जा रहा था, उसका पीछे मोबाइल था, पीछे से गिर गया था हेड डेस्क का सामने, उसका भी आईफोन था। तो एक लड़का उठाने की कोशिश किया था, उस समय मैंने बोला ये रुको रुको, वो फ़ोन भी हम उठाया। उसका बाद में फ़ोन आया, फ़ोन आने का बाद में क्या किया हम फ़ोन उसको रिसीव किया, बोला कि आ जाओ जंक्शन ट्रैफिक में आ जाओ, मेरा नाम ऐसे है, मेरी नाम पूछो अगर से मेरा पास मोबाइल होगा। तो ऐसे हमको जो भी हम लोग रोड में घूमते हैं अगर ऐसा कुछ होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पार्टी जिसका सामान है उसका सामान उसका हाथ में पहुँचा दें।